हम करें बात दलीलों से तो रद्द होती है, उनके होठों की खामोशी भी सनद होती है। कुछ न कहने से भी छिन जाता है जाज़े सुखन, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। मेहंदी साहित्य का विद्यार्थी रहा हूं, पिछले 3 दिन से मुसलसल सवाल पूछे जा रहे हैं बिल्किस बानो पर, और मैं पलट के सिर्फ एक बात कहता हूं कि मैं तो बचपन से संस्कृत का एक सूत्र वाक्य पढ़ता रहा हूं, यत्र नार्यस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। लेकिन आज राजीव जी के जन्मदिन के मौके पर खड़ा होकर के मैं पूरे अफसोस से कह रहा हूं कि मैं ये सूत्र सुनता था कि यत्र नार्यस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। लेकिन अफसोस है कि हमारी आंखें वो मंजर देख रही हैं कि नारियों की पूजा तो छोड़िए, नारियों के बलात्कारियों की पूजा की जा रही है, उनको मालाएं पहनाई जा रही हैं। हम ऐसा हिंदुस्तान अपनी आंखों से देख रहे हैं। आपको वो दिन भी याद होगा जब लाल किले की प्राचीर पर खड़े होकर के देश के प्रधानमंत्री ने बहुत लंबा चौड़ा भाषण दिया महिला सम्मान पर, महिला सुरक्षा पर, और उस भाषण की परिणति यह रही कि दोपहर होते होते बिल्किस बानो के गुनहगार सरकारी रिहाई के साथ बाहर माला पहन रहे थे। भाषण बहुत अच्छा था, बड़े उतार चढ़ाव थे उस भाषण में। हमारे एक पत्रकार साथी ने कहा कि आज मोदी जी ने बहुत लंबा भाषण दिया, बड़ा भावुक हुए वो। मैंने कहा हां, वो अब तिजारती पहलू निकाल लेता है, मैं कुछ कहूं तो तराजू निकाल लेता है। वह तिजारती पहलू निकाल लेता है, मैं कुछ कहूं तो तराजू निकाल लेता है। मैं इसलिए भी तेरे फन की कद्र करता हूं, तू झूठ बोल के आंसू निकाल लेता है। बहुत लंबी थोड़ी तकरीरें सुनी हमने महिला सुरक्षा पर, महिला सम्मान पर। एक बड़े हिंदी के विद्वान है दिल्ली में, वो कहते हैं जब भी प्रधानमंत्री महोदय किसी पर्टिकुलर विषय पर बहुत भावुक होकर बात करें तो समझ लीजिए कि इसका उल्टा होने जा रहा है, और उल्टा हुआ। महिला सुरक्षा, नारी सम्मान, क्या शानदार नारी सम्मान किया है प्रधानमंत्री जी ने। क्या यही है नारी सम्मान, क्या यही है महिला सुरक्षा? रिव्यू करने वाली जो कमेटी है, उस कमेटी में जो बैठे हुए लोग हैं, क्या उन्हें कभी ख्याल नहीं आया कि इतने जघन्य आरोपी बरी किए जाएंगे?